तो आज का टॉपिक क्या है? इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून, यही बोलेंगे। लेकिन अगर अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आएगा क्या, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, कुछ ऐसे टाइप का आएगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो भारत का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है ना। अब ट्रॉपिकल क्यों है, जबकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाता है? यही जाता है, जाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर 0 डिग्री है, यहां पे क्या है? 0 डिग्री। तो ट्रॉपिकल रीजन तो यही हुआ ना, हुआ कि नहीं। लेकिन हम लोग पूरे भारत के क्लाइमेट को क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। तो चूंकि हिमालय है तो वो क्या करता है, वो यहां से जो कोल्डर एयर मासेस होते हैं उसको क्या करता है? रोक देता है। इस कारण से यहां का टेम्परेचर भी, आपका जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, यहां का टेम्परेचर भी क्या होता है? हाई रहता है, वार्म रहता है, ठीक है ना। अगर हिमालय नहीं होता तो आप लोग यहां जहां बैठे हैं वहां सर्दियों में क्या होती? बर्फ पड़ रही होती, ठीक है ना। तो ये जो अगर आप हिमालय का आप पूछेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो यही है कि ये क्या करता है, जो कोल्डर एयर मासेज हैं उसको क्या करेगा? रोक देगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला पूरा रीजन क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वार्म। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पूरे के पूरे क्लाइमेट को भारत का क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है। अब बात आती है मॉनसूनल क्यों है। मॉनसूनल, तो मॉनसून का क्या मतलब है? मॉनसून इज अ विंड, इनफैक्ट मॉनसून इज अ रिवर्सल विंड। रिवर्सल विंड मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई प्लेस ए है कोई प्लेस बी, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना। और इसका टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा ना। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर इसी जगह का टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए, और यहां का टेम्परेचर क्या हो? बढ़ जाए, तो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये तो ये क्या है? रिवर्सल ऑफ अ विंड। और एग्जैक्टली इंडिया में ऐसा ही होता है। कैसे? एक विंड है, कौन सी? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। अभी बताएंगे क्या है ये, क्या है ये। समर सीजन में, ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है? साउथ वेस्ट विंड्स चलती हैं, ठीक है। और ये क्या है? आपका ओशन है, है कि नहीं? क्या ये अरेबियन सी है? तो अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके जाती है और यहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है। लेकिन
सर्दियों में क्या होगा, ये वाला रीजन क्या है, हाई प्रेशर, और ये वाला रीजन लो प्रेशर। तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये कौन सी विंड है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, ट्रेड विंड्स। क्या है ये, जो लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हैं वो लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब यहां पे लो प्रेशर था, यहां पे क्या था, हाई प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या था, ये, और जब हाई प्रेशर यहां था और लो प्रेशर यहां था तो क्या था, विंड का डायरेक्शन ये था। जब विंड यहां से वहां जा रही है तो मॉइस्चर लेकर जा रही है, और बारिश कहां करेगी, यहां पे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अब ये कहां से आ रही है, ड्राई रीजन से आ रही है कि नहीं, तो बारिश होगी यहां पे, नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहां समर में साउथ वेस्ट मानसूनर विंड जब एक्टिव होती हैं तो क्या होती है, बारिश, और नॉर्थ ईस्ट जब होती है तो ये कब है, सर्दियों में, और बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड है, यानी हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, मानसूनल है और ट्रॉपिकल है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट, ठीक है, लिख लीजिए, मतलब इसको पहले बना लीजिए फिर लिख लीजिए।